Hello friends, this is NK Sharma, welcome to our channel. How's that? So guys, in this video we are talking on if IPL 2020 is not happening, agar IPL 2020 nahi hota, to isse kaun kaun se player aise hain jinhe sabse bada nuksan hoga, sabse bada loss hoga. So there are a lot of player, lot of batsmen, lot of bowler who search a path for a World Cup T20. और कुछ प्लेयर ऐसे भी है जिनके पास लास्ट चांस हो सकता है ये आईपीएल के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेने का. अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप सबने अगर देखा होगा तो रॉबिन उथप्पा ने ये कहा है कि आई बिलीव इन अ आउटसाइड चांस. आउटसाइड चांस आप सब समझ ही गए होंगे कि अगर मैं अच्छा खेलता हूं तो मैं वर्ल्ड T20 में कमबैक कर सकता हूं. तो मेरे को अभी भी विश्वास है, अभी भी बिलीव है कि मैं कमबैक कर सकता हूं. सो अब की आईपीएल राजस्थान रॉयल की तरफ से वो खेलेंगे. और अगले प्लेयर की मैं बात करूं तो सब उन्हें जानते हैं, आईपीएल बेस्ट प्लेयर, आईपीएल के जो किंग है वो है सुरेश रैना. सुरेश रैना और कोई क्रिकेट वो खेलते नहीं है. आईपीएल अगर नहीं होगा तो उन्हें कमबैक करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास, सुरेश रैना के पास. अगर आईपीएल नहीं होता तो सीधी तरीके से वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएंगे. वैसे भी वो क्योंकि बाहर ही लग रहे हैं, और अगर आईपीएल नहीं होता है तो वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे. और जो प्लेयर ऐसे हैं जो प्लेयर कमबैक करना चाहते हैं, अच्छा कमबैक, अच्छी फॉर्म में आना चाहते हैं, वो हैं भुवनेश्वर कुमार. बिकॉज भुवनेश्वर कुमार आप सबको पता है इंजरी के कारण वो बाहर हैं. सो एक भुवनेश्वर कुमार हो सके हैं. और जो ऐसे हैं कि जो आईपीएल से एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं ताकि वो वर्ल्ड कप में बने रहें या वर्ल्ड कप की टीम में एंट्री ले लें, वो प्लेयर हैं लाइक संजू सैमसन, कृणाल पंड्या एंड ऋषभ पंत एंड दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक सबको लग रहा होगा कि यार कोई चांस नहीं है, लेकिन एक आउटसाइड चांस है बिकॉज निदास रवि सबको याद है, और एज अ फिनिशर वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. सो दिनेश कार्तिक एक चांस है. अगर मैं कुछ और प्लेयर की बात करूं, जैसे कि मैं सबसे बड़ा आपको एक ऑप्शन देता हूं, वो है शिखर धवन, जिनकी जो फॉर्म है वो अभी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, और उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर अभी अपने इंडियन टीम में ओपनर्स देखें तो वो तीसरे नंबर पर आएंगे, बिकॉज पहले KL राहुल, देन रोहित शर्मा, और उसके बाद शिखर धवन. सो अगर कोई चेंजेस होते हैं टीम में तो वो सबसे पहले तीसरे प्लेयर पे होंगे, और तीसरा प्लेयर ही सबसे पहले बाहर जाएगा. सो शिखर धवन के लिए बहुत ज़रूरी है ये आईपीएल T20, ताकि वो अपनी जो फॉर्म है वो वापस गेन कर सकें. और जो कुछ प्लेयर हैं जैसे कि नीतीश राणा, शुभमन गिल, पृथ्वी शो, दे वॉन्ट टू शो दैट वाट दे कैन डू फॉर देयर कंट्री एंड वाट दे कैन डू इन वर्ल्ड T20. सो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि नए चेहरे हैं कुछ, यशस्वी जायसवाल और भी कई अंडर 19 से कई चेहरे आए हैं, तो उनके लिए भी आईपीएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इस आईपीएल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये आईपीएल नहीं होता तो सबसे बड़ा लॉस सुरेश रैना का होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से उनके पास ये लास्ट चांस है. और उसके बाद में बात करूँ तो शिखर धवन, ऋषभ पंत, तो ये दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा जो फोकस है वो आईपीएल का वो पूरा रहेगा. और मैं सबसे बड़ा नाम मैं भूल गया, MS धोनी. सो थ्रू आईपीएल के थ्रू मे भी धोनी कमबैक कर सकते हैं, और अगर चलो उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं. सो कुछ ये प्लेयर थे जो मैंने आपको बताया, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे. सो घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम. सो आज के लिए इतना ही गाइस. जय हिंद, जय भारत.